रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। प्रदेश के सबसे साक्षर जिला हमीरपुर में पिछले 15 दिनों में तीसरा शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बाप ने अपनी बेटी के साथ दुराचार किया है। ताजा मामले में भोरंज में बाप के साथ दादा भी कुकृत्य में शामिल बताया जा रहा है। हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के तहत आए मामले में बाप ने अपनी 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत खुद बच्ची की माता ने पुलिस थाना में आकर की है, जिस पर पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में सबसे साक्षर जिला हमीरपुर में पिछले 15 दिनों में तीसरा शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बाप ने अपनी बेटी के साथ दुराचार किया है। ताजा मामले में भोरंज में बाप के साथ दादा भी कुकृत्य में शामिल बताया जा रहा है। हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के तहत आए मामले में बाप ने अपनी 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत खुद बच्ची की माता ने पुलिस थाना में आकर की है, जिस पर पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बच्ची की मां का धारा 164 के तहत बयान कलमबद्ध किए गए हैं। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों ने, जिसमें बच्ची के पिता और दादा को, प्रारंभिक मेडिकल जांच के लिए तलब किया है। डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि भोरंज उपमंडल के तहत एक महिला की शिकायत पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें महिला के आरोप पर पुलिस ने महिला के पति और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसपे पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुटी हुई है। जिला थाना में रजिस्टर हुआ एक एफआईआर, जिसमें 8 पॉक्सो एक्ट में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि उसके 2.5 साल की बच्ची है, उसके साथ उसके फॉस्टर फादर और जो उसके फादर इन लॉ है, शक जताया है कि इन्होंने कुछ गलत काम किया है। कल ही जो है लेडी की 164 की स्टेटमेंट जो है जज के सामने कराई गई है, और साथ ही इसमें मेडिकल भी कराया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन होना है, उनको इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया है। देखिए, पूरा एहतियात बरतना पड़ता है इसमें, कि कोई जैसे जैसे मेडिकल की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, और उसके बाद जो है, अभी जैसे मैं आपको बताया कि उनको दरियाफ्त के लिए बुलाया, इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया है कि उसको, तो उसके बाद जो है जो कार्रवाई कानूनी बनती होगी वो की जाएगी। गौरतलब है कि महिला की दूसरी शादी कुछ माह पहले हुई है, और बताया जा रहा है कि परिवार में आंतरिक कलह चली हुई है। वहीं बच्ची के बीमार होने के बाद महिला द्वारा महिला डॉक्टर को दिखाने पर छेड़छाड़ का अंदेशा हुआ, जिस पर बच्ची की मां को पहले पुलिस में मामला दर्ज करने की बात कही गई, जिसके बाद पुलिस थाना भोरंज में पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।